मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। पहले से ही चल रहा था कॉमन सॉल्ट, जिसको जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, उससे और कौन कौन सा केमिकल्स बन सकते हैं। तो जैसा हम लोग कल चर्चा किए थे कि उससे बन सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर अल्कली प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का, उससे तैयार हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में तैयार हुआ था हाइड्रोजन और क्लोरीन। फिर ये चर्चा हुआ था कि हाइड्रोजन का डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, क्लोरीन का क्या क्या यूज है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज। तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है कहाँ से? सोडियम क्लोराइड से, यानी कॉमन सॉल्ट से क्लोरीन प्रोड्यूस हो गया। ले लिए रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड, लिए वहाँ से क्लोरीन गैस बना लिए, कल वाले प्रोसेस जो चर्चा की तो उसके हिसाब से। और अब ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बन सकता है, यानी कॉमन सॉल्ट से ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो क्लोरीन बना लो और क्लोरीन का रिएक्शन करा दो। इट इज प्रिपेयर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्लास 10 के हिसाब से, CaOCl2। इसको केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं, बट ये रियल फॉर्मूला नहीं है, इसका हायर क्लासेस में कंप्लीट कॉम्पिटिशन दिया हुआ है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? बाय द एक्शन ऑफ Cl2 गैस ओवर सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन पहले से तुम जान रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, रिएक्शन ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया ये, और वाटर। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बन गया। इसमें इसका रोल रहा कॉमन सॉल्ट का, क्योंकि कॉमन सॉल्ट से ये क्लोरीन गैस प्राप्त की है, ऑब्टेन की। सेलेक्ट लाइन अलग से लिया है। सब लोग जानते हो कि ब्लीचिंग पाउडर का डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच बने होता है दाग धब्बा मिटाना, कोई धब्बा गंदगी को दाग को किसी तरह का स्पॉट को मिटाना। तो देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े की इंडस्ट्री में जो कॉटन होता है, लाइनन मैंने धागा होता है एक प्रकार का धागा, रेशा टाइप का धागा, उसको ब्लीच करना, उसके अंदर जो गंदगियाँ हैं जो तो उसको ब्लीच करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में जो ऊट का पल्प से पेपर बनाया जाता है उसको ब्लीच करना, और लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़े में अगर कहीं कोई स्पॉट वगैरह रह गया है तो उसको ब्लीच करना। फिर केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, और ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में फॉर किलिंग द जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम लोगों ने देखा कि दूसरा केमिकल ब्लीचिंग पाउडर भी कॉमन सॉल्ट से बना। एक और चीज़ है, उसका नाम है एक और केमिकल जो कि सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं, दैट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। अगर इसका नाम देखोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये वो सामान है, ये वो केमिकल है जो हमारे किचन में अगर क्रिस्पी पकौड़ा बनाना हो तो ये काम आता है, कुरमुरा वाला पकौड़ा। तो ये कई बार खाना फास्टर कुकिंग के लिए भी ये बेकिंग सोडा, हिंदी में मीठा सोडा बोलते हैं इसको, ये यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि अगर देखोगे सॉल्ट की जानकारी है तो ये सोडियम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, और ये HCO3 कार्बोनिक एसिड से आया होगा, वीक एसिड से, तो इसका नेचर है बेसिक, बट ये माइल्ड बेसिक नेचर का है। और नॉन कोरोसिव इसको खाने से क्या है, तो कोरोजन यानी कोरोड नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, संक्षरण नहीं करता है, नुकसान उतना नहीं होता है, बट अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। और इसको बनाने का मेथड है, रॉ मटेरियल इसका क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है जैसे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस एंड अमोनिया गैस थ्रू ब्राइन, थ्रू ब्राइन या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें ले लो पानी, तब एक्वा सॉल्यूशन बनेगा प्लस CO2 गैस और प्लस NaCl गैस, सबका रिएक्शन हो जाएगा तो बनेगा NH4Cl प्लस और NaHCO3।
इसमें से ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इतना बढ़िया से ठीक से पानी में नहीं घुलता, ये ज़्यादा घुलता है। ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर अगर हम लोग जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इसके क्रिस्टल पहले आउट हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन में रह जाएगा, छान लेंगे, ये पानी में फिल्ट्रेट के साथ चला जाएगा, ये निकल जाएगा। निकल जाने के बाद उसको हम लोग सुखा लेंगे ऐसे ही ओवन में, और ओवन में सुखाने के बाद जब हम लोग इसको गर्म ओवन में सुखा लेंगे और हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है या इसका यूज क्या है वो जानने से पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, अगर हम लोग मीठा सोडा को गर्म करते हैं NaSCO3 को, तो गर्म करने से ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में H2O में और CO ऑन हीटिंग, हीट करने पर इसकी खासियत यह है कि हीट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके यूजेज क्या हैं, और जैसा कि बताया कि तो हीट करने पर होता है, ऐसे ये माइल्ड बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है, और हम लोग आगे देखेंगे इसका यूज क्या है। तो इसका यूज हम लोग देखते हैं, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो पहला यूज है, इसका यूज जो है इन दी मेकिंग ऑफ या इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। अब मन में सवाल उठेगा कि बेकिंग सोडा ऊपर भी लिखे और नया नाम आ गया बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में दो चीज मिला हुआ होगा, बेकिंग सोडा और एक एसिड होगा, एडिबुल एसिड, माइल्ड एडिबुल, हल्का पावर का एडिबुल एसिड होगा, एडिबुल एसिड। फॉर एग्जाम्पल टारपेरिक एसिड, जैसे कि इमली में मिलता है नेचर में, ऐसा नहीं है कि इमली में ही मिलता है, मार्केट में भी डब्बे में मिलता है, ये एसिड हल्का पावर का होता है, इसलिए माइल्ड वर्ड यूज है, एडिबुल मैंने खाने लायक। अब ये दो चीज़ जब मिल जाएगा तो, और इसके बाद इसको जब मिला के ब्रेड या केक वगैरह बनाया जाता है, तो इन दोनों के रिएक्शन से बेकिंग सोडा और बेकिंग और एडिबुल एसिड के रिएक्शन से बेकिंग सोडा तो हम लोग लिख देंगे NaSCO3, और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला ज़्यादा कठिन है इसलिए केवल H+ लिखते हैं। ये किसी भी एसिड से इस बेकिंग सोडा का रिएक्शन होगा, तुम चाहो तो HCl से भी, अगर HCl से अगर इसका रिएक्शन लिखा तो पहले समझा दो कि क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा NaCl+ H2O बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये सॉल्ट बना सोडियम का सॉल्ट, Cl आया एसिड से। अगर हम यहाँ पर इसको NaSCO3 H2SO4 अगर लेते हैं तो बनेगा Na2SO4+ CO2H2O+। अब तुम देखो H2O और CO2 कॉमन है, बेकिंग सोडा तो रही है, खाली एसिड ले रहे हैं, सॉल्ट बन रहा है कहाँ से, एसिड के निगेटिव वाले पार्ट में सोडियम के साथ मिल गया है, इसका सोडियम इसका निगेटिव वाला पार्ट सोडियम सल्फेट हो H2O और CO2 बने गए। तो सिमिलरली अगर हम लोग NaSCO3 और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला ना लिख के सॉल्ट में लिखें, यकीन ये टार्टरिक एसिड से आया हुआ है H है, तो हम लोग फिर वही लिखेंगे सोडियम सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम का सॉल्ट और प्लस H2O और प्लस CO2, और सॉल्ट कैसा बनेगा उस एसिड का जो निगेटिव वाला हिस्सा है उसके हिसाब से बनेगा, इतना डिटेल्स में नहीं लिखना है, सॉल्ट ऑफ सोडियम ऑफ दी एसिड H2O CO2। तो अब इस बेकिंग पाउडर को जब ब्रेड पे या केक में डाल के गर्म करते हैं तो ये जो CO2 गैस बनता है, तो CO2 गैस गर्म होने से निकलना चाहता है बाहर, तो दैट काउजेज द ब्रेड टू राइज, टू राइज करे वो भी, और उससे वो सॉफ्ट और फ्लॉपी हो जाए, फूलता है और उससे सॉफ्ट होता है ब्रेड, और इसीलिए इसको मिलाते हैं ब्रेकिंग पाउडर। इसका दूसरा यूज है, जैसा कि पहले चर्चा किए थे चैप्टर के शुरू में, कि ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए कहीं अगर एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाए तो एंटासिड की जो दवा मार्केट में उपलब्ध होती है उसमें इसको थोड़ा मिला दिया जाता है, यानी जब और भी केमिकल मिला हो और ये भी मिला हो तो उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट के रूप में या कंपोनेंट के रूप में, और केवल डायरेक्ट इसी को खाएंगे तब यही एंटासिड है, तो एंटासिड के रूप में यूज होता है। और एक और इसका यूज है, इसका फायर एक्सटिंग्विशर,
एसिड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर उसको हिंदी कहते हैं अग्निशामक यंत्र, उसमें एक जो फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र में दो सिलेंडर कांच का सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक में ये इसका सॉल्यूशन लिया जाता है और दूसरे में एसिड लिया जाता है जनरली डाइल्यूट एस्ट्रेसो को, और दोनों सिलेंडर की घुंडी आकर बाहर में एक साथ एक आस एक दोनों की कॉमन घुंडी आकर एक जगह मिलती है, उस घुंडी को जब तोड़ दिया जाता है ज़मीन पर पटक कर तो वो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है इसमें और एसिड में, और उसके बाद रिएक्शन होता है। अभी देखा कि इसका रिएक्शन एसिड से हो तो CO2 गैस बनता है, तो नोजल की का जो क्रॉस सेक्शन एरिया को कम होने से छेद छोटा होने से बहुत हाई प्रेशर से CO2 गैस निकलता है जहाँ आग लगा होता है। CO2 गैस हवा से भारी होने की वजह से ऊपर नहीं जाता, नीचे बैठ जाता है जहाँ आग लगी हो, और CO2 का एटमॉस्फेयर जहाँ तैयार हो जाता है जंतु CO2 से गैस से बर्निंग नहीं हो पाती है और फायर एक्सटिंग्विश होता है। ठीक, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है टेस्ट उसको बनाए।